सब जगह राइजिंग हुए, सब जगह बहुजन समाज को सफरा लोगों को साथ लेने के कारण सारे लोग भागीदार हैं जो हमारे। और मैं सावधान करना चाहूंगा इसी मौके पर, भूल न जाऊं, दलित मुस्लिम गठजोड़ भी खतरनाक है। तो कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दलित मुस्लिम इकट्ठा होगा तो बाकी तो वो बाकी तो आपका रास्ता रोके देंगे, इसलिए खतरनाक है ये सेंटेंस। और वास्तव में मुसलमानों का जो सोशल बायकॉट है वो उन्हीं कारणों से है जो बौद्धों का सोशल बायकॉट हुआ। और शायद आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि अछूतपन का मूल कारण सामाजिक बहिष्कार है। अछूतपन का मूल कारण गंदगी नहीं है, गंदे पैसे नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने डीएन पेजेवेक्स ने बड़ा विस्तार के साथ पूरी थीसिस है उनकी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज को सफरा ठीक है, मार्शल कास्ट आपके साथ नहीं आएगी, जाट है गुजर है हो सकता है, पर मानोहर कांशीराम जी ने तो उनको भी अपने साथ लाया, खड़े किए। कुर्मी है मराठा है वो साथ चले भी, कुशवाहा निषाद पाल बघेल प्रजापति, तो ये तो हमारे आंदोलन का हिस्सा बने, साझीदार बने आंदोलन के। इसलिए और उस बहुजन समाज की शक्ति के बल पर आप केवल मुख्यमंत्री के नहीं, आप प्रधानमंत्री के दावेदार हुए, आपकी प्रधानमंत्री की आवाज को मजबूती से सुना गया और तभी आपको तोड़ा गया। इसलिए वो तोड़ने के कारण आपको ज्ञात होने चाहिए। दो भाषण 2007 के बाद 2008 से चालू हुए, 26% दलित 14% ब्राह्मण दोनों इकट्ठे हो जाए तो 40% हो जाता है, और 31% में हमारी सरकार बन गई है, किसी और की जरूरत ही नहीं है। इसमें बड़ा जोर होता था किसी और की जरूरत नहीं है, वो कोई और था कौन, वो कोई और था कौन। फिर दूसरी तरफ 2017 के चुनाव में भी बड़ा जोरदार भाषण चला, दलित मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो ये 40% से ऊपर हो जाता है, फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है हमारी सरकार के और दलित मुसलमान। ताज्जुब ये कि दोनों एक म्यान में दो दो तलवार है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अलग, और ये बहन जी के सब अज्ञानता में नहीं था। पहले मैं ही कंफ्यूज था, पर 7 जुलाई 2013 को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जब बहन जी के हाजिरी में सतीश मिश्रा का घंटा घड़ियाल बना बजाने के बाद और वैदिक मंत्रोच्चारण के पश्चात जब ये भाषण हमने सुना तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये तो बहन जी की रजामंदी से ही हो रहा है, बहन जी के डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसलिए साथियों पिछड़ों को हमने छोड़ा, पिछड़ों को थकियाया, उनके हिस्सेदारी में कटौती किया, जो 2425 के वो हाउस में लगभग 250 सीटें पिछड़ों को ऐलान होती थी वो घट करके 100 के नीचे आ गया आंकड़ा। जब 100 के नीचे आ गया आंकड़ा 2009 में ही लोकसभा के चुनाव में 80 में से 17 सीटें पिछड़े वर्गों को ऐलान हो गई, 80 में से 17 टिकट ओबीसी को और 23 टिकट ब्राह्मण को अकेले, जिसकी आबादी 3.5 और उत्तर प्रदेश में 8% है, तो उसके हिस्से में 23 सीटें, और जिन पिछड़ों की आबादी 52% है, 50% से तो कम है ही नहीं है, उसके हिस्से में 17 सीटें, तो उनको डामाडोल होना शुरू हुआ। और मैं तो बुंदेलखंड में उस हमने कुशवाहा समाज के सत्यनारायण कथा बंद हो गई, भागवत पुराण बुलाना बंद कर दिया, उन्होंने अपने शादी कराने वाले गायत्री मंत्र के माध्यम से ही सही पर ब्राह्मण का बहिष्कार किया कुशवाहों ने, लोधी समाज के निषादों ने हमारे बुंदेलखंड में, पर उनके मोहल्लों से हमने 2008 दिसंबर आते आते आवाजें सुनी, देखे हो
मरवा हमार गुरु बाबा से झगड़ा करा दे अने हम चौका बा पहुंच जात रहे आप खुद हाथ मिला ले पंडित जी से और हमें धक्का मार ये अपने आवाजें सुनिए बहनी को बताई बहनी से कहा निवेदन हुआ कहा पैर पकड़ के कहा झिझोड़ के कहा कि बहन जी पिछड़ों का हिस्सा बढ़ना चाहिए पिछड़ा वर्ग हमें साथ से खिसक रहा है पर शायद उन्होंने इस परिणाम का प्रबंध कर लिया तो डाउन गया मानूंगा कांशीराम साहब की बातें के और भी जो उन्होंने होशियारपुर चुनाव के पश्चात 1991 में लोकसभा जीत के आए इटावा से हम इंचार्ज थे वहां इटावा में 6 महीना पहले से हमें लगा दिया था और फिर होशियारपुर ले गए कि नहीं मायावती को खराब लगा है कि वो बुलंदशहर में एमपी नहीं जीत सकी और कांशीराम जीत गया तो होशियारपुर से मायावती को जिता के लाना है हम लोग गए उनके चुनाव में भी थे पूरे 1.5 महीना 45 दिन तक साथ में थे व्हाइट हाउस होशियारपुर के आपके इस इलाके के धर्मवीर अशोक भी हमारे साथ थे तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जो उन्होंने बातें कही वो भी हमारे संज्ञान में था फिर 3-3 बार किसके कृपा से मुख्यमंत्री बने तो मन में आया कि शायद उसका व्यवहार अदा किया जा रहा है तब तो 105 सीटें मुसलमानों को दे देंगे जिसका कोई औचित्य नहीं बनता भाई सब सीटों पे अगर आप चमारे चमार लड़ा लो तो कैसे जीतोगे तब तो नहीं जीतोगे और आधे सीटें आप मुसलमानों को लड़ा लो तो नहीं जीतोगे वीड़ा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि स्वर ना निकले और इतना कसो ना कि वो टूट ही जाए सम्यक ज्ञान सम्यक मार्ग पे चलना होगा बहुजन समाज सम्यक जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी और मुस्लिम के टिकट कौन से मुसलमान वो नहीं जो जमीन पर है वो जो दुबई से लौटे हुए हैं वो जो बिल्डर हैं वो जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं जिनके साथ जनता नहीं है उनके मुस्लिम भी उनके साथ नहीं मुसलमानों में बहिष्कृत है वो जब टिकट होल्डर बने तो परिणाम आपके सामने है इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज बनाए जाने की पुनः हमें आवश्यकता है और जब ये बात 1984 में बात आई थी कि ये पिछड़े वर्ग के लोग हमारा साथ नहीं दे सकते हैं मानवत कांशीराम साहब ने चमार एक्टिविस्ट से कहा चमार कार्यकर्ताओं से बानसेर के लोगों से कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करो और मैं बना के दिखाता हूँ नारा लगा मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा भाई रवि गौतम जैसे जोशीले नौजवान थे जो उन्होंने कहा अरे ये हम क्यों कर रहे हमें तो अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ना है हमारा पैरी फॉरवर्ड हो गया है हमारा पूरा नहीं किया जा रहा है कोटा मानव कांशीराम जी ने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करो मैं परिणाम ला के दिखाऊंगा तो हम चमारों ने नारा दिया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा एक अनुगूंज बनना चालू हुई एक लहर बनना चालू हुई उत्तर भारत में और उस लहर के 6 साल तक वो मूवमेंट चली और उस मूवमेंट का साझेदार हूँ चश्मदीद हूँ और 14 अप्रैल 1990 से 31 मई 1990 तक 48 दिन तक दिल्ली के वोट क्लब में लाखों लोग जो नीला झंडा लेकर के डेरा डाल के पड़े रहे और तब भी बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया तो कूटनीतिक लड़ाई मानवर कांशीराम जी ने लड़ी जिसके अभिप्राय प्राय को जिसके यथार्थ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई नहीं जान सके तो उन्होंने कहा देवीलाल के मंच पे था चूंकि मानवर कांशीराम जी ने कहा कि ये सीधी उंगली से ही नहीं निकले गए बीपी सिंह मैनोफेस्टो में लिख के आया तब भी मंडल रिपोर्ट नहीं लागू कर रहा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी तो बीपी सिंह की कुर्सी हिलानी पड़ेगी तो इसके कुर्सी का एक पाया देवीलाल है तो उन्होंने देवीलाल से मिले और कहा कि ताऊ आगे बढ़ो कांशीराम तुम्हारे साथ है और ऐलान कर दिया
कि 9 अगस्त 90 को दिल्ली के बोट क्लब में कांशीराम की और देवीलाल की ज्वाइंट रैली होगी, और तब तक अगर बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू नहीं किया तो बीपी सिंह सरकार को चलता कर दिया जाएगा, सरकार गिरा दी जाएगी। उससे पहले ही भयभीत होकर के 6 अगस्त 90 को बीपी सिंह को मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा करनी पड़ी। तो इसका पूरा श्रेय मानवर कांशीराम जी के संघर्ष को और उनकी रणनीति को है। पांव पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। उसी समय आगरा में पनवारी कांड हुआ था, उसके 2 महीना पहले 1 महीना पहले उसमें मानवर कांशीराम साहब ने पंजाब के लोगों को कान रखों भर के अनाज कपड़ा सारी व्यवस्थाएं पनवारी गांव में पहुंचाई गई, व्यवस्था हुई। पर तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइडियोलॉजिकल प्रचार की कमी थी, और मैं बड़ा खोल दूं क्यों कमी थी, कि पश्चिम के इंचार्ज बहनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बहनी थी। और 93 के चुनाव में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी है 95 में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भी विधायक आपके इलाके से नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि समाज लायक नहीं था, यहां समाज लायक था, पर उसको जोड़ने का कोई प्रयोजन बिजनौर और सहारनपुर से भी नहीं था, जो कि हमारे बहुत मजबूत सेंटर है। बिजनौर और सहारनपुर से भी 93 में कोई एमएलए जीत करके नहीं पहुंचा, बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के विधायकों के बल पर बनी है, पश्चिम के लोग नहीं थे, क्योंकि बहुजन समाज यहाँ नहीं बनाया जा सकता। बारा सिंह बघेल को धक्का मारा, कश्यप को धक्का मारा, जयराम सिंह जय को धक्का मारा, कोई आपने पिछड़े वर्ग का लोग जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज बनने के कारण मंडल रिपोर्ट लागू हुई तो बहुजन समाज तेजी के साथ बना। आज पुनः आवश्यकता है, हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि मंडल रिपोर्ट आंशिक रूप से लागू पूरी कहां लागू है। इसलिए मंडल रिपोर्ट हूबहू लागू करो, ये यात्रा प्रारंभ हो सकती है। मैं कांसेप्ट आपके सामने दे रहा हूं। शिक्षा के ऊपर हमारी बहन ने बहुत गंभीर बातें रखी, और इसको मैं पिछले 4 साल से लगातार प्रचार कर रहा हूं। भाई विजय कुमार जी भी उस पर काम कर रहे हैं, और जो कि ये अनायास नहीं है, लापरवाही का कारण नहीं है, ये षड्यंत्र के कारण है। या अगर लापरवाही होती, नेग्लिजेंसी नहीं है, कि ये लापरवाही है बेसिक शिक्षा विभाग की, ये षड्यंत्र का हिस्सा है कि पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन को कोलैप्स कर दिया गया है। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 1991 में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ही यूनियन गवर्नमेंट को बुला के कहा कि ये तुम्हारे भूखे रहते हैं लोग, और रात भर के बच्चे 12 बजे के बाद घर चले जाते हैं, भोजन दो, तो भोजन चालू है। और उन्होंने इस बात पे गौर किया कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे, तो उनके अकलमंद लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अपने बच्चों के लिए हमारा भी स्कूल खोलते हैं, नर्सरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, और अब तो हर गांव में हो गए, और वो हर गांव में चला रहे। नहीं है बुंदेलखंड जैसे इलाके के हर गांव में अगर नहीं है तो 5 गांव से मैजिक गाड़ियां चल रही है, सवेरे सवेरे मैजिक गाड़ियां चल जाती अपने बच्चों को लेके आ जाती। इसलिए बहन से मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे कहना चाहूँगा, और मुझे मैंने जो आपके चेहरे बोले देखे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से अधिकांश लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं या रिटायर्ड हैं। स्कूल चालू करो, निजी स्कूल चालू करो। एक समान शिक्षा प्रणाली के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ेंगे, और व्यापक आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। पर वो 5 साल बाद कामयाब होंगे, 10 साल बाद कामयाब होंगे, तब तक लेफ्टेज खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। वो लेफ्टेज ना खड़ा हो, इसलिए तत्काल स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके समाज का 70% बच्चा प्राइमरी स्कूल के ऊपर निर्भर है और अनपढ़ हो रहा है। वो केवल लिटरेट हो रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट को जवाब दे जाएगा, दिखाएंगे कि हमारे यहाँ 100% लिटरेसी है।
मैं केरल भी गया इस बीच। बैंकी की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने 28 जनवरी 2015 को धक्के मार के जब मैंने उनसे कहा कि बैंकी हम पांचवी बार आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ये टिकट की बिकवाली बंद होनी चाहिए, इससे भारी बदनामी हो रही है, समाज निराश हो रहा है, तो धक्के मार के दूसरे दिन उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा कि किसी भी शोषणकारी पार्टी, शोषणकारी व्यक्ति शक्तियों के साथ जाकर अपने गुरु कांसीराम की सीख को और अपनी माँ की दूध को शर्मिंदा नहीं करूंगा, बहुजन समाज बनाऊंगा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाऊंगा। और मैंने उसमें काम किया, मुझे नासिर पर दिखाई दिया, इंतखाब आए बहुत सारे लोगों ने, हालांकि अकेला जी ने मुझे मना किया। अकेला जी ने कहा कि नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं और ये होल्ड कराए हुए हैं आंदोलन को, बामन मेसराम और इनके साथ मत जाइए। मुझे मेरे पुराने कैडर के प्रशिक्षक हैं आगरा के कुंदालाल जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैंने बड़े नेता को छोटे नेता के लीडरशिप में जाते कभी नहीं देखा है। बोले आपका बड़ा नाम है, आपने भले ही आप पश्चिम में नहीं घूमे हैं पर आपने जो काम किया है तो उससे ध्वनि यहाँ भी है, पश्चिम में भी है, और इसलिए आपको मेसराम तो छोटा नेता है उसके नियंत्रण में क्यों जा रहे हैं। पर मैंने मेरे मन में अंदर से आवाज आई कि हमें भाजपा विरोधी वोटों को विभाजन करने का अवसर नहीं देना चाहिए। मूवमेंट देर से शुरू होगी पर हमें उसको शुरू करना चाहिए। पर वहां जाकर के बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि वो तो मूवमेंट को होल्ड कराए हुए, रुको ठहरो, 2017 नहीं 2019 में हम बदलाव करेंगे, 2024 में करेंगे, और बहुत जल्द ही अभी वो कहने वाले हैं कि 2024 नहीं तो अब 2031 में हम आजादी, संपूर्ण आजादी ला के दिखाएंगे, ऐसा उनके अंदर जरा था। तो ये होल्डिंग पॉइंट है। मैं होल्डिंग पॉइंट से फिर जैसा कि अकेला जी ने कहा तो बात तो मैंने ही की थी, चूंकि बाहरी देखा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 19 सीटें आ जाए, मुझे था कि 40-50 तब भी आएंगे और बहन जी राज्यसभा में पीसफुली पहुंच जाएंगे, इतनी आकांक्षा है उनकी। मुझे नहीं पता था कि ये भी अब उलझन का काम मान रही है, जिसको काम को भी अब बोझा मान रही है राज्यसभा में जाने को भी, तभी तो रिजाइन कर दिया। रिजाइन ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये समर्पण है, सरेंडर है, क्योंकि सैक्रिफाइस की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और सरेंडर की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। सैक्रिफाइस की दुख भी अलग होती है और सरेंडर की भय अलग होता है, भय फेयर। इसलिए मैं साथियों, तो मुझे पापी था कि नहीं, तो मैंने पूछा कि शायद इसी को बचा लिया जाए, मेरा बनाया हुआ, और मुझे शर्म भी नहीं है, अकेला जी को मैंने नहीं बताया, निश्चित रूप से नहीं बताया मैं, क्योंकि अपने घर में जाने में कौन सी शर्म है, कौन सी लाज शर्म है, तो अपना मेरा 35 साल का खून लगा है, पसीना लगा है, शर्म लगा है मेरा, तो मैं उठ के 28 मार्च को बैठ के बातें हुई और करार हुआ कि इसको बचाना है। मैंने हाथ जोड़ के, मेरी वाइफ की कैंड्राइज है, वो गई मेरे साथ, गए कि नहीं मैं साथ चलती हूँ, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि बहन जी भारी बिखरा हो गया, हमें भी 40-50 सीटें लग रही थी पर अब तो 19 आ गई हैं, अब इसको बचा लीजिए, पुरखों की बनाई हुई विरासत है ये। उन्होंने कहा बैठो बैठो बचाना। मैंने कहा बहुजन पे बचेगा बहन जी, ये सार्वजन पे नहीं बचेगा, बिकवाली भी बंद होनी चाहिए। कहा मध्य प्रदेश की अगर मान्यता रहेगी तो राष्ट्रीय मान्यता बची रहेगी। तो मेरे साथियों, हम उसमें उनके साथ गए पर फिर तो उन्होंने काम ही करना बंद कर दी, अड़चने डालना, वो बहुत जल्द जान गए कि ये बेचने को राजी नहीं है और वो काम हमसे बनता नहीं है। और आप तो जानते हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत में जो शुद्ध कार्यकर्ता के हिस्से की सीटें, पार्षद की सीटें जो कार्यकर्ता का हिस्सा है, वो भी जब बेची गई, नीलाम की गई, तो अब पूरे तंबू और पांव उखड़ चुके। इसलिए फिर भी मेरी दिली आकांक्षा आप लोगों में
से बैठे हुए खासकर एपी जी भाई के नाम साहब एपी सिंह जी की भावना के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अब उम्मीद नहीं है इसके बचने की, पर फिर भी चाहत आकांक्षा यही है कि बचा लिया जाए। पर जो रिवेलियस कैरेक्टर है वो बसपा से बाहर है, रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी बाहर, और इनहेल करने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, इनहेल नहीं कर सकते, मैं तो इंजेल हो गया, फिर मैंने छोड़ी नहीं, मुझे 10 जनवरी को फिर निकाल दिया, पूरा एक जेल स्प्लेट कर दिया, मैंने छोड़ी नहीं, मेरा घर है मैं क्यों छोड़ू। पर अब तो इनहेल नहीं हो सकता, आता नहीं कोई जा सकता, रिवेलियस रिवेलियस और रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी बसपा में अंदर नहीं जा सकती, तो इंजेक्ट कर लीजिए, जो डॉक्टर लोग हो, चिकित्सक हो, और पीआई जो साहब से मैंने विनती किया, बड़ी दिली आकांक्षा, मुझे बड़ी कीमती बात एक दिन कही उन्होंने कि जो विक्टिम क्लास के लिए आवाज उठाने वाले जो मार्क्सिस्ट साम्यवादी शक्तियां हैं वो हाशिए पे जा चुकी है इंडिया, इसलिए क्रिश्चियन और मुस्लिम बड़े पैमाने पर बहुजन थिंकिंग की ओर देख रहे हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर पीआई जो साहब ने मुझे कहा, मैं बड़ा सीरियस हुआ और मुझे लगा कि ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर कमजोरों की तरफ से कोई आवाज नहीं है तो इंजेक्ट करिए, इंजेक्ट माने इंजेक्शन, फोर्सली कुछ करिए, तो अंदर बहन क्या नाम उसका पीछे सुंदरी जी अगर इंजेक्शन लगा के माध्यम से अंदर जा सके तो शायद लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन अंदर चली जाए। सुंदरी जैसी लेडीज जो है लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन है, ये अंदर जाए और कुछ शायद कर दे तो शायद बचा लिया जाए। तो अगर पर पहले जांच पड़ताल सामाजिक रूप से पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि छानबीन गहन छानबीन जांच पड़ताल बहुत ठीक से हो, जांच पड़ताल छानबीन में टाइम लगे तो घबराहट नहीं आनी चाहिए, पूरी छानबीन हो और छानबीन करके ये बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर नए के निर्माण के बारे में विचार अन्यथा की बात है, पर आकांक्षा यही है कि बचा लिया, पर बिना अब इनहेल करके नहीं बचाएगा, अंदर के लोग तो बचा ही नहीं सकते। आरपीजी साहब आप अंदर जाएंगे तो शायद बचाने की उम्मीद हो, लाइफ सपोर्टिंग जो मेडिसिन है वो इंजेक्शन के माध्यम से अंदर जाएं, फोर्सली अंदर जाएं और अंदर के सिस्टम को वो कोलेस कर दे, तिरोहित कर दे कि नहीं अनु हम चलाएंगे। मैंने ऐसा करने की कोशिश किया पर मैं कामयाब नहीं हो सका, काम करने का हुआ बातचीत करने का अवसर नहीं, तो इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पर बहुजन समाज निश्चित रूप से अंतर जाति विवाह एक मसीरा है और अंतिम लक्ष्य तो अंतर जाति विवाह है, अंतर जाति विवाह के पहले एब्सोल्यूट बहुजन समाज नहीं बनता है, पर प्रेमी बहुजन समाज क्योंकि उसके लिए वातावरण निर्माण करना, हालांकि काफी वातावरण निर्मित हुआ है हम अंतर जाति विवाह के लिए, पर अगर दलित और ब्राह्मण का शादी होती है ये तो और खतरनाक है, क्योंकि मैं भी ये 50 साल की उम्र हो गई मेरी, वो हमारी जो पावरफुल पर्सनालिटी है उनके अंदर ब्राह्मणी आना चाहती है, मेरी लड़की अगर उनके घर में जाती है, अभी अभी चित्रकूट में 2 मैटर किडनैप और रेप के मैं देख के आया, उनको रवि गौतम जी से कहना चाहूंगा ब्राह्मण लड़के हमारी लड़की को लेके कहा शादी करेंगे, पर उनके बिरादरी के परिवार के लोगों ने कहा नहीं बहू तो मंजूर ही नहीं कर सकते, बहू नहीं मंजूर कर सकते, तो जिंदगी बर्बाद करके और फिर हाईकोर्ट में नौकर के साथ शादी करा दिया डरा करके और भय। अब जाके 164 के हम बयान कराए तो इससे अनुभव से सीखा हमने कि हमारी लड़की को वो लेने को तैयार नहीं, जो कि इसके पीछे रेशियल वार है, नस्ल ये संघर्ष है, इस देश में अमीरी गरीबी का बड़ा संघर्ष नहीं है, रेशियल वार है, नस्ल का संघर्ष है,
वार चल रही है। ये वार कोई रवि गौतम नहीं करा रहा है, आप रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकते इस वार को। ये शुरू हो चुकी है रेशियल वार, और विजय पताता का पहुंचेगी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस रेशियल वार को आप नकार नहीं सकते, इसलिए अगर आप अकेले लड़ेंगे तो पराजित होते रहेंगे। अगर ओबीसी को साथ लाके लड़ेंगे तो भाई इंतखाब जी ने उल्टा कहा कि दलित मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप साथ आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं इसमें होशियारी बरती जाए, दलित पिछड़ा इकट्ठा हो तो मुसलमान भाई साथ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली साथ। दलित पिछड़ा इकट्ठा हो तो इस चूंकि आप दलित मुस्लिम इकट्ठा होंगे पिछड़ा उनके साथ चला जाएगा और फिर आपको रोक देगा, बिलाप कर देगा, यही तो हुआ है। तो इसलिए मैं साथियों मैं बातें कह गया, संविधान खतरे में है निश्चित रूप से, तो संविधान को बचाने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित आंदोलन, तो मैं कोशिश में हूं कि मंडल स्तर पर हम संगोष्ठियां करके और इस दिशा में समाज का ध्यान खींच सके। कुछ लोगों ने कहा कि एक संगठन का निर्माण होना चाहिए, संगठन से पहले विचार का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि संगठन जैसे ही बनाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट नेम स्वार्थ पहले आने आ जाते हैं। नहीं वो उसका संगठन, वो उसका संगठन, वो उसकी पार्टी, उसका संगठन नहीं, वो खतरा हम नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए विचार फैले। बहन अर्चना जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने आप सबको यहाँ असेंबल किया, सब वेद किया, इकट्ठे किया, काफी जोशीले लोग जिनपे एनर्जी है, एनर्जेटिक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और पीआई जोश साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बिकना बंद करो, आपको बहुत आपको सीरियसली लेना चाहिए। और इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है, तो इसलिए मैंने जनवरी 2015 में ही कहा था कि एक वोट बेचना बहन बेटी की इज्जत बेचना, तो 1000 वोट बेचना 1000 बहनों को इज्जत के बेचने के बराबर है, और 1,00,000 वोट बेचना 1,00,000 बहनों को बेचने के बराबर है, और 1,00,000 वोट बराबर टिकट होता है। तो टिकट बेचना पुण्य कैसे हो गया, टिकट बेचना महान पाप है, समाज को गुलामी के दलदल में ले जाने का कृत्य है, और इसीलिए ये सारे वातावरण ये सामने है। ये जो आप जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं वो कठिनता से बनाया गया टिकट, ये हम लायक नहीं थे, टिकट के लायक थे नहीं हम, ये मैरेगा की मसीहा की संघर्ष का परिणाम है कि आप टिकट के मंगतेरा थे हम, पर रैवर की कृपा से आज टिकट देने वाले हो गए हैं। तो मैंने उसका रास्ता बताया, आज यहां भी आपसे कहना चाहता हूं कि किसी से हम हाथ जोड़े विनती करें कि बंद कर दिया टिकट बेचना, मैंने जोड़ा तो बहुत हल्ला भी मचाया कि टिकट भी जो मानी नहीं, तो फिर मैंने कहा कि अंतिम रास्ता है कि बिके हुए टिकट के पीछे से हट जाओ, टिकट खरीदने वाला भागता नजर आएगा, टिकट बिकम बुकिंग विंडो पे कोई नजर नहीं आएगा, तब हमारा टिकट बच सकता है, पर तब तक वो वैल्यू लेस हो जाएगा, वो टिकट तब तक वैल्यू लेस हो गया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने लेवल से बसपा के नेताओं से जोनल कोऑर्डिनेटरों से, हालांकि वो बहुत बेचारे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं और बहुत ही बेचारे हैं, इतने बेचारे हैं कि आपसे बात भी नहीं कर सकते, पर फिर भी बातें करें, झिझोड़े उनको और कोशिश करें कि इसको बचा लिया जाए, अन्यथा देश भर में जांच पड़ताल की जाए, छानबीन की जाए, उपचार नहीं बीमारी की खोज चाहिए। बीमारी क्या है, क्योंकि पहले बीमारी आई कि ये जोनल कोऑर्डिनेटर सारे गड़बड़ हैं, ये सारे बेच रहे हैं, फिर बीमारी आई कि नहीं नसीबुद्दीन गड़बड़ है, वो थोक के थोक भाई बेच रहा है, फिर लोगों ने कहा नहीं वो काजल ही गड़बड़ है, फिर अभी 6 महीने से बात चली कि सतीश मिश्रा गड़बड़ है, अभी बात चली 6 महीने से। मेरे साथियों बीमारी कहीं और है, पर वो खोजबीन होनी चाहिए, आपके द्वारा खोजबीन होनी चाहिए, आपके द्वारा जांच पड़ताल होनी चाहिए, और बहुजन समाज को हम बना सकें।
उस दिशा में साहस के साथ गंभीरता के साथ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है, नौजवानों के बीच में डायलॉग किए जाने की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी में और विश्वविद्यालय में और छात्रों के बीच में युवा सम्मेलन छात्र सम्मेलन करने किए जाने की आवश्यकता है, व्यापक हितों में शिक्षा के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली के लिए आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है और रोजगार का संकट अभी आपको नहीं शायद पश्चिम में महसूस नहीं हो रहा होगा, हल्का हल्का महसूस हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में भयावह पड़ा, क्योंकि जब तक हम बिना दाम के काम करते थे तो सारा काम हमारे जुम्मे बेघर में करते थे हम काम, जब से हमने दाम मांगने शुरू किए दाम लेना शुरू किया तो काम हमसे छीना जाने लगा, आज सारा काम हमसे छीना जा चुका, खेत जोतने वाली मशीन आ गई है, सड़क बनाने वाली मशीन आ गई, बिल्डिंग निर्माण की मशीन आ गई, हमारे लोग भाग के सूरत गए, अहमदाबाद गए, बंबई गए, पंजाब गए, दिल्ली आए, नोएडा आए, यहाँ मशीनीकरण हो गया है, लोग वापस लौट रहे हैं, फैक्ट्री मालिक ने कहा कि अब आपका काम नहीं है, अब आप जाइए, तो रोजगार का भारी संकट है, एक समान शिक्षा प्रणाली और रोजगार के लिए तत्काल लड़ाई लड़े जाने की आवश्यकता है, आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है, पर लड़ेगा कौन, लड़ना जरूरी है तो बहुजन समाज के बल पर ही लड़ाई शुरू हो सकती है, तो निश्चित रूप से हम संविधान को बचा सकते हैं और सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में जो पतन की शुरुआत हो गई है उस पतन को हम सस्टेन कर सकते हैं और राइजिंग की ओर उत्थान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप जरूर करें। अर्चना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और नवनिर्माण सेक्रीफाइस लीडरशिप हम भविष्य से बहुत उम्मीद है, हमको 3 बार मिले हो चुके मिनिस्टर भी हो लिए, बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं, पर जो कांशीराम साहब का दिया हुआ मूल मंत्र है वो मूल मंत्र आप तक पहुंचा सके नौजवानों तक पहुंचा सके इसलिए छटपटाहट है तड़पण है और उसके लिए लगातार प्रयासरत है, उनका विचार सिक्योर हो सके सुरक्षित हो सके इसलिए अकेला जी के साथ एक उनके बहुजन संगठन में जो स्पीचेज है उसको पुस्तक के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई है, आप लोग उसे के ज्ञाता रहें जानकार रहें और इस दिशा में धैर्य के साथ साहस के साथ कदम आगे, परिणाम तत्काल नहीं आएंगे पर बीज बोएंगे जड़ों में पानी डालेंगे तो फुनगई में फूल खिल जाएंगे, 100 मीटर ऊंचाई पर फूल खिल जाएंगे फल भी आएंगे और उन फलों को हमारे नौजवान ले सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।